चलिए फ्रेंड्स, आज के जो टास्क है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। आप कंफ्यूज हो सकते हैं। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डेली टास्क मिलता है। ओके, अभी डेली मैं दे रहा हूँ जब से आप लोगों ने कहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप डे देख सकते हैं और डेट देख सकते हैं। यहाँ पर 30 जनवरी 2021 है। ओके, देखिए इस टास्क में आपको नंबर वन पे मिलता है पॉलिटी, जिसमें मैंने आपको कहा कि एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़नी है पॉलिटी में। और इसमें भाग दो सरकार की प्रणाली, इसमें चैप्टर नंबर 16 है, ये आज आपको पढ़ना है, यानी कि आपातकालीन प्रावधान ये पूरा आपको पढ़ना है। और साथ में भाग नंबर 3 है केंद्र सरकार, ओके, इसको भी आपको पढ़ना है। यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि यहाँ पर मैंने 17 चैप्टर के बाद डायरेक्ट 30 नंबर का चैप्टर है वो क्यों दिया है। देखिए मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। देखिए मैंने यहाँ पर आपको 17 नंबर का चैप्टर दिया जिसमें राष्ट्रपति दिए रखे हैं, उसके बाद मैंने बीच के सारे गायब कर दिया, मतलब 18, 19, 20, 21, ये डायरेक्ट मैंने 30 दिए हैं। 30 देने का पर्पस है जिसमें राज्यपाल, क्योंकि जब आप इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे, जब प्रेसिडेंट और गवर्नर को एक साथ पढ़ेंगे, तो आप इन दोनों में कंपेयर कर पाएंगे। जिस तरह केंद्र में जो राष्ट्रपति प्रमुख होते हैं ना, केंद्र का प्रमुख राष्ट्रपति है, इसी तरह राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। ओके, तो इनकी जो पावर्स हैं, ओके, तो इन पावर्स में आप लोग कंपेयर कर पाएंगे कैसे नियुक्त होते हैं। जैसे कि जो गवर्नर है वो नियुक्त होता है, उनका चुनाव होता है, और प्रेसिडेंट है वो अपने पद पर कैसे आते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो आप लोग कंपेयर कर पाएंगे कि दोनों में अंतर क्या है और दोनों में सिमिलरिटी क्या है। ओके, तो इसीलिए मैंने इन दोनों को एक साथ दिया है। ये बुक में तो आपको अलग अलग देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको इनको एक साथ पढ़ना है। ओके, पहले इनकी शक्तियाँ, फिर गवर्नर की शक्तियाँ, गवर्नर कैसे अपॉइंट किया जाता है और राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, ये आपको अच्छे से देखना है। ओके, जैसे क्षमादान की शक्ति हो गई मान लीजिए एक एग्जाम्पल के रूप में, तो आपको देखना है प्रेसिडेंट की क्षमादान की शक्ति है वो किस तरह की है, और फिर आपको देखना है गवर्नर की जो क्षमादान की शक्ति है वो किस तरह है, किसकी ज्यादा है, किसकी कम है, और कौन सा एक बेसिक डिफरेंस है, वो भी आपको देखना है। ओके, और दूसरे नंबर पे आपको रिवीजन करना है 8th क्लास की एनसीईआरटी जो ज्योग्राफी है, इसकी जो मैंने आपको पढ़ा दी है। ओके, तो इसका आपको रिवीजन करना है। इसके साथ ही आपको जो न्यूज़पेपर दिया जाता है उसको पढ़ना है, जितनी भी इंपॉर्टेंट न्यूज है उन सभी को पढ़ना, साथ में एडिटोरियल को भी पढ़ना है, एडिटोरियल को स्किप नहीं करना है। और चौथे नंबर पे आपको टेस्ट देना है, जो टेलीग्राम पर टेस्ट होता है डेली 5 बजे, वो आकर के सभी लोग अपेयर हुए और अच्छे से टेस्ट दीजिए। ओके, और आपको मैपिंग टास्क अभी नहीं मिलता है, मैं अभी इसलिए नहीं दे रहा हूँ, अभी आप लोगों को कंपाइलेशन मिला करेगा। जैसे जितनी भी इंपॉर्टेंट लोकेशन आती है न्यूज़पेपर में उनका कंपाइलेशन दिया करूंगा, क्योंकि जो बेसिक है वो तो मैंने पूरा कवर करा दिया है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, अब देखिए थोड़ी सी मैं आपको बता देता हूँ कि अभी हमारा जो 8 मंथ का प्रोग्राम चल रहा है, जो मैं पीटी मेंस का चला रहा हूँ, इसमें आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। अभी इसमें इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आप लोग इकोनॉमिक्स की सीरीज देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर जाकर के सर्च करिए क्लब IAS एस्पिरेंट, सर्च कर सकते हैं, या हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब करिए, जहाँ पर आपको सभी तरह की नोटिफिकेशन होगा, लाइव क्लासेस से लेकर के रिकॉर्डिंग क्लासेस सभी मिल जाएंगी। ओके, और कुछ दिनों के बाद लाइव क्लासेस भी स्टार्ट होने लगी है, या फिर आप लोग सर्च कर सकते हैं इकोनॉमिक्स बाई RG सर। जैसे ही आप इकोनॉमिक्स बाई RG सर लिखेंगे तो आपको पूरी हमारी प्लेलिस्ट इस तरह से दिख जाएगी। ओके, तो इकोनॉमिक्स की सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और अभी मैं और अपलोड कर दूंगा तो सारी देख लीजिए, आपका पूरा इकोनॉमिक्स कवर हो जाएगा बेसिक से लेकर के एडवांस तक। तो आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं, अगर आप लोग मुझसे कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर फिनिश करता हूँ, अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों से पूछ सकते हैं।